जे के न्यूज टुडे के फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं आमिर तांत्रे हूँ। कल रात बीजेपी के जो प्रदेश लीडर्स हैं वो होम मिनिस्टर अमित शाह से जम्मू में मिले और उन्होंने बात की रजौरी इंसिडेंट, जो डांगरी का इंसिडेंट था उसके रिलेटेड उन्होंने उनके साथ बात की। उन्होंने अपने कंसर्न्स बताए। बीजेपी के लीडर्स जो थे वो प्रदेश के जो उनके अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उनके जो सेंटर में मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह और बाकी लीडर्स देवेंद्र सिंह राणा और उनके साथ फॉर्मर दो डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे वो भी साथ थे और भी अन्य लीडर्स थे बीजेपी के, वो वहाँ पे मौजूद थे उस मीटिंग में। वो मीटिंग में उन्होंने अप्राइज किया होम मिनिस्टर को जो भी रजौरी में डांगरी में हुआ, जहाँ पे 7 लोगों की मौत हुई है अभी तक, जिसमें रिसेंटली प्रिंस जो था उसमें उसकी मौत हुई। उसमें अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बीजेपी लीडर्स को ये बताया कि टेररिज्म के मामले पे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो भी इसके किलर्स हैं, जो भी इसके प्रेपरेटर्स हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कैफरे अंजाम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने उनको एश्योर किया कि जो भी पॉसिबल एक्शंस हैं इस वक्त वो किया जाएगा, अमित शाह ने उनको बताया है। उसके अलावा बीजेपी लीडर्स ने वहाँ पे मसले उठाए, जो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, जो रिजर्वेशन के जो इश्यूज़ हैं, बाकी जो जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं वो उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ उठाए। तो उन्होंने उनको बताया, अमित शाह ने उनको बताया कि वो उस मामले में एलजी के साथ मिलें और उनसे बात करें। ये हमारे सोर्सेज ने अभी तक हमें ये बताया है। बाकी लीडर्स वहाँ पे जो थे उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि उनके फोन्स नहीं लग रहे थे, तो उनसे बात नहीं, लेकिन सोर्सेज ने ये बताया कि ये बातें हुई हैं। अब जैसे ही वो जम्मू पहुँचेंगे बीजेपी लीडर्स तो वो एलजी मनोज सिन्हा के साथ मिलेंगे और फिर वो जो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, जो रिजर्वेशंस के इश्यूज़ हैं, बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं जिन पे जो लोगों के कंसर्निंग हैं उनके साथ वो वहाँ पे बात करेंगे। तो जब वो जम्मू पहुँचेंगे फिर जे के न्यूज़ टुडे आपको अपडेट करता रहेगा। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए जे के न्यूज़ टुडे।